नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कांग्रेस को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात राज्यसभा चुनाव में नोटा का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने से इनकार किया। चीन की चालबाजी से फिर बच गया आतंकवादी मसूद अजहर, संयुक्त राष्ट्र की आतंकी सूची में डालने की कोशिशों को झटका। गुजरात के कच्छ में मध्यम तीव्रता के भूकंप का झटका, कोई नुकसान नहीं। उत्तर प्रदेश में देवरिया में रक्षाबंधन के लिए घर आ रहे असम राइफल्स के जवान की ट्रेन से गिरकर मौत। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना के गश्ती दल पर हमला, मेजर और एक जवान शहीद। यूपी में विवाह पंजीकरण अनिवार्य, मुसलमानों के लिए 4 विवाह तक पंजीकरण की सुविधा। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में मुठभेड़, 2 आतंकवादी मार गिराए। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब 8वीं से पहले भी फेल होंगे बच्चे। जमुई में नक्सलियों ने किया रेल कर्मी का अपहरण, कई घंटे बाधित रहा रेल परिचालन। रियो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया को सर्वोच्च खेल पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न तथा क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा और हरमनप्रीत कौर के नामों की अर्जुन अवार्ड के लिए सिफारिश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक पर किए हस्ताक्षर। दक्षिणी यमन में 2 आत्मघाती हमलों में 5 सैनिकों की मौत, कई अन्य घायल। ये थी आज की खास खबरें, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।